स्वागत है आपका नित्य जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। कठुआ हीरानगर के सान्याल सीमा क्षेत्र में पुलिस चौकी से करीब खेतों में जोरदार आईईडी धमाका। एसओजी का तलाशी अभियान जारी। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। सोपोर में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नशे का आदि है आरोपी। लोलाब खुरहामा में एक बच्ची की मिली सर कटी लाश। इलाके में दहशत का माहौल। रात के वक्त हुई दर्दनाक घटना। जम्मू कश्मीर में कोरोना पर लगाम कसने की तैयारी। यूटी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव भूपेंद्र कुमार ने विभाग के सभी स्टेक होल्डर के साथ तैयारियों की समीक्षा की। सभी अस्पतालों में अलग अलग ओपीडी शुरू करने के साथ ही जांच प्रक्रिया शुरू करने पर दिया गया जोर। मेंढर सब डिवीजन के धारणा गांव में दो परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट। कम से कम 7 लोग घायल। लाठी और अन्य धारदार हथियारों से किया गया प्रहार। उड़ी में एलओसी के साथ वाकई कमान पोस्ट सियाती मकाम के तौर पर फरोख दे रही है फौज। जंग के दौरान अजीम कुर्बानियां पेश करने वाले जवानों के बारे में भी दी जा रही है जानकारी। सयाहों ने करार दिया काफी खूबसूरत जगह। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर विपक्ष की एकता का आह्वान किया है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। पीडीपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से अन्य राजनीतिक दलों को पर्याप्त अवसर देने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान को बताया सही। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। उधमपुर जिले की लट्टी तहसील की पाटनगढ़ पंचायत के 85 वर्षीय बुजुर्ग पोथराज पानी से चलने वाली तेल मिल के मालिक हैं। वे आज भी पुराने तरीकों से सरसों का तेल निकालते हैं। कोल्हू से तेल निकालने का तरीका सदियों पुराना है। पुंछ जिला सनातन धर्म सभा की तरफ से गत वर्षों की तरह इस बार भी रामनवमी पर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सनातन धर्म सभा के प्रधान खेत्रपाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लें। बांडीपोरा जिले की हाजिन तहसील में शाहगुंड सोनवारी और उसके आसपास के गांव के निवासियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शाहगुंड बैंक के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मांग हम करते रहेंगे। लोगों का कहना है कि जेके बैंक में कर्मचारियों की कमी, इस कारण लोगों को बैंकिंग सेवाओं के संबंध में दैनिक आधार पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किश्तवाड़ जिले की पंचायत बोपारा के दाशन में आग लगने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि पहले घर में रखी घास में आग लगी, फिर देखते देखते आग फैल गई। सड़क संपर्क नहीं होने के कारण दमकल वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुंछ में तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर के 7 दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों में कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के फॉर्म अपलोडेड और डाउनलोड करके साथ ही आधार पैन लिंक का काम भी किया जाता था। तहसीलदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें शिकायतें मिली थी कि ऑनलाइन काम के लिए लोगों से काफी ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे थे। भारत सरकार की योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक मॉडल किंडरगार्टन सेंटर का उद्घाटन जिला उधमपुर के घोटी ब्लॉक में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में किया गया है। इस मौके पर 30 छात्रों का नामांकन भी कराया गया। आरती शर्मा ने कहा कि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किंडरगार्टन सेंटर स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में किंडरगार्टन सेंटर खोलने के लिए भारत सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग का धन्यवाद। अब गरीब परिवारों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और अब चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तैंतीस साल की अस्मा भट्ट पुराने रीति रिवाज को पीछे छोड़ अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही है। अस्मा का अपना भेड़ फार्म है। अस्मा अब आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से प्रेरित एक सफल उद्यमी है।
बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग ने भेड़ और बकरियों के लिए अपनी तरह का पहला ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया है। विभाग के अनुसार भेड़ पालन क्षेत्र में हेल्थ केयर सिस्टम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सकता है। बांडीपुरा जिले के इंद्रकोट सोनावारी इलाके में चल रहे दो स्कूलों में मात्र 3 कमरे हैं और इसमें करीब 150 स्कूली छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे की पोल खोल रहे हैं। डांगरी आतंकी हमले के पीड़ितों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद से इनकार कर दिया है। सरकार ने उनके मोहल्ले में हैंडपंप लगाने के लिए एक गाड़ी भेजी थी, जिसे पीड़ित परिवार स्वीकार नहीं किया। पीड़ित परिवार ने और गाड़ी वापस उठा दी। पीड़ित परिवारों ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मौत हो जाए, और जिन्होंने 1 जनवरी को हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावचिया मंडी सड़क पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उप जिला अस्पताल मंडल पहुंचाया। बूथ ड्राइव के सशक्तिकरण के लिए भाजपा नेतृत्व ने शोपियां का दौरा किया। ड्राइव में भाजपा के महासचिव सुनील शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित अन्य जिला पार्टी नेता मौजूद रहे। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीन पर जनता के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहुत ही उचित समय पर वापस बहाल दिया जाना चाहिए। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में एलजी ने 3 साल में प्रशासन के जरिए किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट 1,00,000 करोड़ से ऊपर है और वर्तमान बजट यूटी में विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और पिछले वर्ष पर्यटकों का प्रवाह अधिक रहा था। एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कश्मीर में पिछले 30 सालों में पहली बार लेट नाइट बस सर्विस शुरू हुई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एसोचैम वार्षिक दिवस पर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय जम्मू और श्रीनगर के बीच 9 सुरंगें बना रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 3.5 घंटे से 4 घंटे कम हो जाएगा। नितिन गडकरी का कहना है कि श्रीनगर ले हाईवे पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड टर्न टनल का उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा। जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग के 2024 में पूरा होने की संभावना है। चैत्र नवरात्रि का पावन त्यौहार चल रहा है और नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी का पावन दिन मनाया गया। महाअष्टमी के पावन दिन पर जम्मू के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों ने मां चंडी के सामने माथा टेका। गुजरात की ढोंगे किरण पटेल मामले में सरकार ने संभागीय आयुक्त कमिश्नर वी के मधुरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वी के मधुरी सुरक्षा खामियों की जांच करेंगे। किरण पटेल पर जम्मू कश्मीर में धोखाधड़ी का आरोप है। पुलवामा जिले के आचन इलाके में संजय कुमार शर्मा की मौत के मामले में SIA ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में SIA टीम ने आचन पुलवामा में पूरे इलाके का मुआयना किया। पुलिस और CRPF के साथ टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। कश्मीर से कालीनों के निर्यात में काफी सुधार हुआ है। ये बात श्रीनगर में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ने कही है। लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कड़ी मेहनत किए जाने की बात भी कही गई। एशिया के दूसरे सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोले जाने के 9 दिन बाद कम से कम 1,70,000 लोगों ने इसका दौरा किया।
गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए बागवानों ने काफी प्रयास किए हैं। अध्यक्ष CEC LAHDC लेह ताशी गिलसन ने यहां लेह में एक समारोह में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित कर दिए। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल काउंसिल के वाइस चेयरमैन सेरिंग एंगचुक मुख्य अतिथि थे। छात्रों के बीच 30 स्टॉप वाले छात्रों के 30 लैपटॉप बांटे गए हैं। बांदीपुरा बेनी सचिव KC प्रखंड के दूसरे फ्लोर पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड है। विकलांग लोगों को दूसरी मंजिल तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई स्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है और बिल्डिंग की लिफ्ट बंद है। वन्य जीव विभाग बडगाम के बीओ को उनकी सेवाओं के लिए LG मनोज सिन्हा ने सम्मानित किया। बशीर अहमद के मुताबिक उन्होंने अपनी सेवा के दौरान अब तक 500 से ज्यादा सफल बचाव अभियान चलाए हैं। होसपुरा देवर में रिंग रोड के निर्माण के लिए पुरातत्व स्थल के पास की पहाड़ियों में वहां से मिट्टी निकलने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी परी हसपुरा देवर का 1300 साल पुराना ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ पुरातात्विक कलाकृतियां हैं। पहाड़ियों से मिट्टी की खुदाई बंद करने की उन्होंने अपील की है। दक्षिण कश्मीर के एकमात्र प्रसूति अस्पताल में इन दिनों इन्फ्लुएंजा से पीड़ित बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। अस्पताल में जगह नहीं होने से मरीजों व चिकित्सकों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन जम्मू और कश्मीर ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से प्रयोगशालाओं के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अभियंता ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी स्टाफ सदस्यों के व्यवहारिक और फील्ड को जानना बढ़ाना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि DC कार्यालय के पास नए उपराघर का उद्घाटन DDC परिषद उधमपुर के अध्यक्ष लालचंद ने किया। DC उधमपुर कार्तिका जोसाना और अन्य वहां मौजूद रहे। बीकन द्वारा 2011 में रक्षा महत्वपूर्ण जवाहर सुरंग के विकास और सौंदर्यीकरण और इसे पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में दम तोड़ गया। हमेशा व्यस्त रहने वाला जवाहर टनल हाईवे अब सुनसान नजर आ रहा है। हंदवाड़ा त्राल में अवामी दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपर उपायुक्त त्राल शब्बीर अहमद रैना ने लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ADC ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। भद्रवाह के बस्ती गोगला वन क्षेत्र में पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया। वन क्षेत्र को बढ़ाने और जल निकायों के पास मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया। बाढ़ में जान माल के नुकसान के बावजूद सरकार उधमपुर केलटी तहसील में तवी नदी पर फुटब्रिज नहीं बना पाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार तवी नदी पर उचित पुल नहीं होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए इस अस्थायी पुल को पार करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। RB गुडविल स्कूल जेरन टर्नमार्क मुख्यालय 15वीं कोर RTBDE ने स्कूल के BPS श्रेणी के छात्रों के लिए एक मुफ्त पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया। कक्षा 1 से 10 तक के 127 छात्र BPL और AAY श्रेणी के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई।
बारामूला जिले के उरी इलाके में LOC के पास स्थित कमांड पोस्ट को सेना पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दे रही है। यह स्थान विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के पर्यटक के लिए लोकप्रियता दर्शाती है और ये दर्शनीय स्थल में से एक बन गए है। गांधीनगर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। गडूरा स्टेडियम में फुटबॉल क्लब तलमोला और अथवास फुटबॉल क्लब के बीच ग्रैंड फाइनल हुआ, जिसे FC तलमोला ने जीत लिया है। कुलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में लगाई गई स्ट्रीट लाइटें जल्द खराब हो गई थी, इसके लिए गलत तरीके से कोषागार से पैसे निकाले गए थे और लेकिन ये अब भी वैसे ही है। जम्मू के गांधीनगर के सरकारी अस्पताल को बड़ी कामयाबी मिली है। इस अस्पताल को जिला अस्पतालों में प्रतिष्ठित कायाकल्प अवार्ड मिला है। अस्पताल और अधीक्षक ने इसका श्रेय मेडिकल स्टाफ को दिया है। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 6वीं बटालियन ने सरकार के विश्व सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव शीर्षक के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में 20 सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रामनवमी के मौके पर PM मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा है कि ये पर्व त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। श्रीनगर में मनाया जा रहा श्री रामनवमी महोत्सव कतलेश्वर मंदिर जयदार मोहल्ले से निकाली गई झांकी लाल चौक पर समाप्त होगी झांकी। जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर PM पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पहली बार अनंतनाग स्थित सूर्य मंदिर में करेंगे पूजा। श्रीनगर में निकाली जाएगी झांकी। देश भर में रामनवमी की धूम। 9वें दिन मां की सिद्धिदात्री के रूप की पूजा, घर घर कन्या पूजन। PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और LG मनोज सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। हिमाचल में भी रामनवमी के पर्व की धूम है। इस मौके पर CM सुखो ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि मां दुर्गा सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर दे। डेरा में 15 साल पहले एक युवक को ब्यास नदी में तैरता एक अद्भुत पत्थर मिला था, जिसे वो अपने साथ अपने घर ले आया। अब लोग उसे चमत्कारी राम शिला के तौर पर पूजा और दर्शन करते आ रहे हैं। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती के साथ सुबह 2 बजे ही द्वार खोल दिए गए। यहां पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने अपने छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाया। हिमाचल में एक दिन में कोरोना के 255 मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामलों की संख्या 755 के पार हो गई है। इसमें से एक संक्रमित की मौत हो गई है। CM सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। हिमाचल में युवा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हिमाचल के 112 पदाधिकारी को हटा दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा न लेने पर यह कार्रवाई की गई है। देहरा में भाजपा समर्थित पंचायत समिति की बैठक में हंगामा हो गया और सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दे दी। सूत्रों के मुताबिक पंचायत समिति में तख्ता पलट की तैयारियां चल रही हैं। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सूत्रों की माने तो बैठक में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और बिजली बहादेव रोपवे को मंजूरी मिली है और पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI में नए कोर्स को हरी झंडी मिली है।
सुक्खू सरकार का पहला बजट सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में कटौती प्रस्ताव गिर गए। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नालागढ़ में बद्दी हरेपुर कोटला मार्ग पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। बांस लदा यह ट्रक बेकाबू हो गया था। हादसे में कार सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। सोलन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की सैंपलिंग बढ़ा दी है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर और हॉस्पिटल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे हिमाचल में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह कथाओं का आयोजन भी किया गया है। शूलिनी मंदिर में मां सिद्धिदात्री की पूजा हुई तो सनातन मंदिर में आयोजित कथा में श्रद्धालु शामिल हुआ। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया रियल हीरोज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, एक मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व में अब सुनी जाती है भारत की बात। G20 को भारत की विदेश नीति की बड़ी सफलता दिया करार। आज का भारत मजबूत, भारत की सीमाएं सुरक्षित। चीन और पाकिस्तान को अब भारत की ताकत का हो गया अंदाजा। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया रियल हीरोज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में भारत के असली नायकों का सम्मान। लद्दाख के ओरगैन फनसोक को रियल हीरो अवार्ड। 14,000 फीट की ऊंचाई पर उगाई 20 से ज्यादा किस्मों की फसलें। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्षी एकता पर अमित शाह ने बोला हमला। कहा, विपक्षी एकता दिखावा। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में शाह ने विपक्ष के सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप का दिया जवाब। कहा, यूपीए सरकार के समय सीबीआई ने उन्हें फर्जी केस में फंसाया था। कोर्ट ने कहा था राजनीतिक दुर्भावना के तहत हुआ था केस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को बताया असंवैधानिक। कहा, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार का आरक्षण। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि सावरकर ने कई कुर्बानियां दी हैं। लोगों को सावरकर पर टिप्पणी करने से पहले उनका अध्ययन करना चाहिए। हम सावरकर की विचारधारा से असहमत हो सकते हैं लेकिन हम उनकी सेवाओं से इनकार नहीं कर सकते। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बना रहे हैं जिससे यात्रा खर्च कम करने में मदद मिलेगी। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होंगे। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 13 अप्रैल को राज्य में चुनावों की घोषणा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।